काफी ऐसे नए क्रिएटर जो होता है अपना वीडियो को अपलोड करने का टाइम काफी ऐसे चीज अपने वीडियो पर अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है वीडियो अपलोड करने का जो तरीका है वो नहीं पता है। तो कैसे वीडियो अपलोड किया जाता है, वीडियो अपलोड करने का टाइम से लेके पब्लिश करने तक क्या क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। क्योंकि गाइस अपलोड करने का भी एक तरीका होता है, यूट्यूब पर काफी सारा चीजें काफी सारा नए नए फीचर को अपडेट किया गया है, वैसे काफी ऐसे जो नए क्रिएटर होता है जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, तो इस वीडियो से आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप भी ये वीडियो देखने के बाद इजीली अपलोड कर सकते हो। इसके लिए कुछ भी नहीं करना, हम लोग जैसा जो भी क्रिएटर होता है सिर्फ हम लोगों को रिक्वायरमेंट रहता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना, बस इतना ही सा काम है। क्योंकि नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करोगी तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक नहीं जाएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो भी डेफिनेटली करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना, मिल जाएगा। तो दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें, अपलोड करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, तो गाइस देखो वीडियो अगर आप यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हो, आप एक नए क्रिएटर हो, तो वीडियो अपलोड करने से पहले आप लोग वीडियो बनाना होता है, एडिट करना होता है। क्योंकि गाइस वीडियो नहीं क्रिएट करोगी, वीडियो नहीं बनाओगे तो क्या अपलोड करोगी। तो इसके लिए फर्स्ट प्रोसेस आपका वीडियो बनाना है, वीडियो को एडिटिंग करना है। मानो आपका वीडियो भी बन चुका है, एडिट भी हो चुका है, जैसे कि मेरा वीडियो भी बन चुका है, एडिट भी हो चुका है, तो अभी अपलोड करना है। तो अपलोड करने का पहला जो प्रोसेस होता है, यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करना है, आपका जो चैनल है उसको लॉग इन कर लेना है। उसके बाद यूट्यूब का होम स्क्रीन पर नीचे की तरफ आप लोगों को प्लस का एक आइकन मिल जाता है, उसमें प्रेस करना है। प्रेस जैसे ही करेंगे अपलोड ए वीडियो ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस अपलोड ए वीडियो ऑप्शन में प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपका सामने आपका जो स्मार्टफोन का गैलरी होता है वो बेसिकली ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी वीडियो अपलोड करना है उस वीडियो को बेसिकली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पर, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, उसमें प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद काफी सारा ऑप्शन आप लोगों को दिखने को मिल रहा है, जैसे कि वीडियो का प्रीव्यू तो शो कर रहा है, उसका नीचे में टाइटल आ जाता है, डिस्क्रिप्शन आ जाता है, उसका नीचे विजिबिलिटी आ जाता है, विजिबिलिटी का नीचे में आप लोगों को ऑडियंस आ जाता है, उसके बाद लोकेशन आ जाता है, उसके बाद प्लेलिस्ट आ जाता है। तो ये सारा फीचर मिल जाता है, बट इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट नीचे में जो अपलोड ऑप्शन होता है उसमें प्रेस करना है। उससे पहले जो विजिबिलिटी ऑप्शन होता है उसमें आपको प्रेस करके आपका वीडियो अनलिस्ट रख के आपको अपलोड कर देना है। अभी तो मैंने भी अपलोड कर दिया, लेकिन आप लोग ये भी सोच रहे हो भाई वीडियो तो अपलोड पर लगा दिया लेकिन अपलोड हो रहा है कहां, देखूं कैसे पता करूं कितना अपलोड हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस इसके लिए आपका नोटिफिकेशन बार जो होता है उसको अगर स्वाइप डाउन करेगी तो आपका जो वीडियो है अपलोड कितना परसेंट हुआ है वो दिखाई देगा। अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हो यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, लोगो में प्रेस करना है, यूआर चैनल में जाना है, जाने के बाद मैनेज वीडियोस ऑप्शन मिल जाएगा उसमें प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो सिंपल वीडियो अपलोड हो रहा है, इतना परसेंटेज बाकी है वो तो आपका इंटरनेट का ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो अभी वीडियो तो अपलोड हो रहा है, वीडियो को तो अपलोड होने देते हैं। उससे पहले और दो चीज ऐसे करना है, जैसे कि आपका जो टॉपिक्स है उसी से रिलेटेड आपको टाइटल ढूंढ लेना है, या उसी से रिलेटेड जो कीवर्ड होता है, अगर आप रैंकिंग टैग्स चाहते हो तो इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। और भाई यूट्यूब का वाइट स्टूडियो सर्चेबल रैंकिंग कीवर्ड ले सकते हो, तो वीडियो को भी जाके जरूर देख सकते हो। उसके बाद आपका वीडियो से रिलेटेड टाइटल टैग्स आपको क्रिएट कर लेना है। करने के बाद आप लोगों को और एक चीज करना है, थंबनेल क्रिएट करना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है थंबनेल कैसे क्रिएट किया जाता है तो इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो है, आप जाके देख सकते हो थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो उसके बाद मानो आपका वीडियो अपलोड हो चुका है कंप्लीट, तो अभी आपको सिंपल क्या करना है, अगर आप लोगों के पास में डेस्कटॉप नहीं है तो आप वाइट स्टूडियो ऐप को इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैं भी स्मार्टफोन के थ्रू दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, स्मार्टफोन में जो वाइट स्टूडियो ऐप होता है उसको सिंपल ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो सेक्शन जो मिलता है उसमें प्रेस कर देना है। कर देने के बाद आपका वो वाले वीडियो जो रिसेंट में अपलोड हो गया है वो शो कर रहे, तो उस वीडियो को आपको सिंपल प्रेस करना है। उसके बाद पेंसिल का आइकन मिल जाता है, उसमें प्रेस कर देना है। कर देने के बाद आपका वीडियो तो कम्प्लीटली अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको टाइटल डाल देना है, तो मेरा जो कॉन्टेंट है उसी से रिलेटेड मैं टाइटल डाल रहा हूँ, तो आप लोगों का जो भी कॉन्टेंट है उसी से रिलेटेड आपको टाइटल डाल रहा है। भाई वीडियो अपलोड भी हो चुका है, टाइटल भी हो चुका है। उसके बाद फिर दूसरा जो काम होता है डिस्क्रिप्शन डालना होता है। भाई डिस्क्रिप्शन को डालने के जो टाइटल का नीचे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसमें प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको पहला जो प्रोसेस होता है डिस्क्रिप्शन में, आपका जो टाइटल है सेम टाइटल को आपको डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए टॉप पर। उसका नीचे में और भी काफी सारा चीजें डिस्क्रिप्शन पर डालना होता है, जैसे कि आप प्लेलिस्ट का लिंक भी ऐड कर सकते हो, कोई अदर सोशल मीडिया लिंक ऐड कर सकते हो, या आप जो भी टॉपिक्स बना रहे हो उसी से रिलेटेड कुछ अबाउट दे सकते हो, या आप हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में क्या क्या डाला जाता है, किस तरह डाला जाता है, या तो आप मेरा चैनल पर वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज आप मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अभी क्या करना है, क्योंकि गाइस वीडियो अपलोड भी हो चुका है, टाइटल भी हो चुका है, डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन भी हो चुका है। अभी थर्ड वाला जो पॉइंट होता है, आपको विजिबिलिटी ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसी तरह आपको अनलिस्टेड रखना है, अभी आपको पब्लिश नहीं करना है, क्योंकि आपका सारा काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ ऐसे जो चीज होता है जो विदाउट डेस्कटॉप से नहीं हो पाता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, अगर आपके पास में डेस्कटॉप नहीं है तो उस चीज को भी कैसे करोगे। तो इसलिए विदाउट स्किप के वीडियो को देखना। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना। तो दोस्तों उसका बात क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि वीडियो अपलोड कंप्लीट होने के बाद मैंने टाइटल भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया, उसके बाद जो होता है हम लोगों को ऑडियंस सिलेक्ट करना है। अगर आपका बच्चों से रिलेटेड कंटेंट है तो आपको मेड फॉर किड्स जो यस होता है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपको मानो कोई बच्चों से रिलेटेड कॉन्टेंट नहीं है तो आपको ऑडियंस भी जाके नो कर देना है। आपका टाइटल भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, ऑडियंस भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप लोगों को लोकेशन आ जाता है, अगर आप लोकेशन डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ज्यादातर ग्रेडर नहीं यूज करता है लोकेशन। भाई गाइस क्या करना है, भाई सब कुछ तो लगभग कंप्लीट होने को है, भाई टाइटल भी हो चुका है, डिस्क्रिप्शन भी हो चुका है, ऑडियंस भी सिलेक्ट हो चुका है, उसके बाद लोकेशन भी सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो होता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट बेसिकली होता क्या है, तो इसका अगर कोई ऐसे सिमिलर कॉन्टेंट है तो आप प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी ऑडियंस अगर आए तो उसको इजी हो जाएगा आपका प्लेलिस्ट ढूंढ के, वो इजीली कंटेंट को चूज कर सकता है। तो प्लेलिस्ट यहां से अगर सिलेक्ट करोगी तो वीडियो जैसे ही आप पब्लिश करोगी तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली उस वाले प्लेलिस्ट पर सेव हो जाएगा, आपको बाद में सेव करने का जरूरत नहीं है, वीडियो अपलोड करने का टाइम अभी इस चीज को कर सकते हो। तो अभी तो गाइस सारा कुछ हो गया, भाई टाइटल भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, ऑडियंस भी सिलेक्ट कर लिया, लोकेशन भी सिलेक्ट हो गया, उसके बाद प्लेलिस्ट होता है वो भी सिलेक्ट हो गया। अभी लास्ट जो नीचे में जो मोर ऑप्शन मिल जाता है, मोर ऑप्शन में जैसे ही प्रेस करेंगे आपको टैक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे में काफी सारा और भी ऑप्शन मिलता है, बेसिकली इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, उसके बारे में सही से आप लोगों को जानकारी चाहिए तो कमेंट करना। उसके बाद आपको टैक्स, यहां से आपको टैक्स डालना होता है, अगर आप एक एक टाइपिंग करके टैक्स डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज अगर आप नोटपैड या कहीं पर भी टैक्स बना के रखे हो तो आप कॉपी पेस्ट यहां पर नहीं कर सकते, उसके लिए तो डेस्कटॉप चाहिए होगा। लेकिन जैसे आपके पास में डेस्कटॉप नहीं है तो टैक्स यहां से कॉपी पेस्ट नहीं होगा, अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, अभी गाइस और भी बहुत सारा काम बाकी है, अब ऐसे ही मत सोचो जो भाई वीडियो अपलोड करना है प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है, नहीं गाइस अभी तो सिर्फ टाइटल हुआ है, डिस्क्रिप्शन हुआ है, उसके बाद जो ऑडियंस हुआ है, प्लेलिस्ट हुआ है, लोकेशन हुआ है, अभी और भी बहुत सारा काम बाकी है, जैसे कि टैक्स तो डालना है, उसके बाद थंबनेल यूज करना, उसके बाद आप लोगों का वीडियो का सबटाइटल को यूज करना होता है, आई कार्ड इस्तेमाल करना होता है, एंड स्क्रीन इस्तेमाल करना होता है। तो ये सारा कुछ व्हाइट स्टूडियो में नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, इसके लिए डेस्कटॉप चाहिए होगा। तो ये सारा जो फीचर होता है जैसे कि वीडियो का एंड स्क्रीन इस्तेमाल करना, आई कार्ड इस्तेमाल करना या सबटाइटल होता है, इस सब कुछ फीचर वाइट स्टूडियो ऐप में भी अपडेट किया जाएगा। अभी फिलहाल क्या करना है, अगर आपके पास में डेस्कटॉप नहीं है तो आप एनी ब्राउजर में अपना चैनल को लॉग इन करना, डेस्कटॉप मोड एनेबल करना, वाइट स्टूडियो में जाना है, जाने के बाद आप लोगों को वीडियो सेक्शन प्रेस करना है, उसके बाद वीडियो का जो टाइटल होता है उसमें प्रेस करना है, पेंसिल का आरो मिल जाएगा उसमें प्रेस करना है, एडिट ऑप्शन आ जाएगा वीडियो का, तो आपको नीचे में जाना है, उसके बाद मोर ऑप्शन मिल जाता है उसमें प्रेस जैसे ही करेंगे टैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहां से आपको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे कि कॉपी पेस्ट कर दिया तो आपको भी सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद सेव में प्रेस कर देना है। अभी तो लगभग सारा कुछ हो गया, उसके बाद एंड स्क्रीन या आई कार्ड या सबटाइटल इस्तेमाल करना है। तो अभी क्या करना है, वीडियो का प्रीव्यू शो कर रहा है डेस्कटॉप में, उसके बाद नीचे में आप लोगों को सबटाइटल मिल जाएगा, उसमें प्रेस करोगी तो ऑटो सबटाइटल आ जाएगा, उसको आपको सेव कर लेना है। उसका नीचे में आप लोग एंड स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में प्रेस करो, प्रेस करने के बाद आप लोगों को कुछ एनिमेशन मिल जाएगा अलग अलग तरीके से, आप मिनिमम 4 वीडियो ऐड कर सकते हो अपने स्क्रीन पर, या तो आप 2 वीडियो, एक चैनल का लोगो जो सब्सक्राइबर का लोगो होता है, एनिमेशन काफी सारा मिल जाता है, आप उसको अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हो। तो सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को जो एंड स्क्रीन में बॉक्स जैसा शो कर जाएगा उसमें प्रेस करना है, वीडियो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो भी वीडियो को आप डालना चाहते हो आपको सिंपल उस वीडियो पर प्रेस कर देना है, उसके बाद आपको सेव कर देना है। अभी तो सब कुछ हो गया भाई, टैक्स भी डाल दिया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन या ऑडियंस सब कुछ सिलेक्ट हो गया, एंड स्क्रीन भी डाल दिया, सब टाइटल भी डाल दिया। अभी आई कार्ड को डालना है, आई कार्ड को डालने के लिए वो इस एंड स्क्रीन का नीचे में आई कार्ड ऑप्शन मिल जाता है, उसमें प्रेस करो, प्रेस करने के बाद आपका जो टाइमलाइन होता है, टाइमलाइन पर एक मार्क शो करेगा, उस मार्कर को आपको उसी टाइम पर रखना है जो टाइम पर आप वीडियो को ऐड करना चाहते हो। तो मानो मैं इस टाइम पर रखना चाहता हूं, तो इस टाइम पर आपको मार्कर को लेके जाना है, आपको सिंपल प्लस एरो में प्रेस करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद जो भी वीडियो को आप उस टाइम पर रखना चाहते हो उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप और दूसरा कोई वीडियो दूसरा कोई टाइम पर रखना चाहते हो तो उस मार्कर को फिर से उसी टाइम पर लेके जाना है, फिर प्लस में प्रेस करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, जो भी वीडियो को रखना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे करके आप 4-5 ऐसे वीडियो डाल सकते हो, डालने के बाद आपको सेव में प्रेस कर देना है। तो कह देने के बाद अभी तो सारा कुछ कंप्लीट हो गया, अभी यहां से आपको पब्लिश नहीं करना है क्योंकि थंबनेल ऐड करना बाकी है, थंबनेल भी आपको ऐड करना है, उसके बाद आप लोगों को पब्लिश करना है। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, फिर से वाइट स्टूडियो ऐप में
जाना है, जाने के बाद उस वीडियो को सेलेक्ट करना है, पेंसिल अरबे में प्रेस करना है, एडिट ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आपको वीडियो का जो प्रीव्यू होता है उसमें प्रेस करना है, आपको थंबनेल अटका लेना है, तो थंबनेल को लगाने के बाद आप लोगों को सेव में प्रेस कर देना है, उसका नीचे में आप लोगों को फिर से देख लेना है डिस्क्रिप्शन में या टाइटल टैग्स में क्या गलती हुआ है नहीं हुआ है सारा कुछ रिव्यू करने के बाद आपको विजिबिलिटी में प्रेस करना है, उसके बाद पब्लिश ऑप्शन मिल जाएगा उसको सिलेक्ट करना है, स्टॉप पर आप लोगों को सेव ऑप्शन मिल जाएगा उसमें प्रेस करना है, आपका जो वीडियो है पब्लिश हो जाएगा। तो वीडियो अपलोड करने का जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, वीडियो अपलोड करने से लेके पब्लिश करने तक जो कुछ भी प्रोसेस होता है आई थिंक मैं सारा कुछ कवर कर चुका हूं। तो वीडियो देखने के बाद कोई भी एक नए क्रिएटर इजीली अपने वीडियो को अपलोड भी कर सकता है, सब कुछ प्रोसेस जो होता है इजीली कंप्लीट भी कर सकता है। हम लोगों को सिर्फ भाई एक ही रिक्वायरमेंट होता है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना। तो ये डेफिनेटली कमेंट करना, ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के थ्रू सही जानकारी मिला या नहीं मिला, कमेंट डेफिनेटली करना। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो डेफिनेटली करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ जल्दी फॉलो कर लो। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर। उससे पहले एंड स्क्रीन में काफी यूजफुल दो वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप अपना चैनल को ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आप एक नए क्रिएटर हो, अपना चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहते हो या वीडियो वायरल करना चाहते हो, ऑलरेडी वीडियो है आप जाके देख सकते हो, इजीली सीख सकते हो कैसे सब्सक्राइबर को बढ़ाया जाता है।